और पहले जमाने के जो लोग थे, मेरे दादा लोग थे, वो क्या करते थे, अखरोट का पत्ता निकालते थे और इसको चबाते थे, ऐसे चबाते थे। दोस्तों 7:30 हो गए, लेकिन मैं अभी बिस्तर में पड़ा हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और ठंड का मौसम हो रहा है, तो बिस्तर छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन 8 बज चुकी है तो उठना तो पड़ेगा ही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मैंने हाथ मुंह धो लिया है और अभी कर रहा हूँ मैं नाश्ता। ये है आलू की सब्जी और चाय और रोटी। तो चाय तो बहुत ज़्यादा ही जरूरी है हमारे नाश्ते के साथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि आप अकेले के लिए नाश्ता करें, तो हाँ जी दोस्तों, मैं लेट उठाऊँ, लगभग 8 बजे उठाऊँ मैं, तो तब तक मम्मी पापा और भाई ने रोटी खा ली और अपने अपने काम पे चले गए हैं और अब जाके मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो मैं नाश्ता करता हूँ फटफटा और उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं गौशाला पे पहुंच चुका हूं और ये बांझ मैं अभी जो लेके आ रहा हूं, भाई साहब बहुत ज़्यादा भारी था और ये हमारी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा सुमार होने लगा है। डेली डेली अब बांझ लेके आना पड़ रहा है घर पे, क्या करें, लॉकडाउन है, जा नहीं सकते कहीं, कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, तो फिलहाल यही काम करेंगे घर पे। और ये हमारी छम्मक छल्लो, ये है हमारी छम्मक छल्लो, हमारी भैंस, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी छम्मक छल्लो है हमारी। तो इसके लिए हम ये चारा लेके आए हैं और अब दिखाते हैं आपको अपनी लाली। और हमारी एक लाली भी है, ये हमारी देखो, ये लाली है हमारी, अभी भीग के थोड़ा काली हो गई है, ये देखो कितना शर्मा रही है रे छोरी। तो ये थी हमारी लाली और ये थी हमारी छम्मक छल्लो, हमारी भैंस और ये गाय। अभी हीरा मोती तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, हीरा मोती अभी जो जंगल लेके जा रखे थे पापा ने, उनको चराने लेके जा रखे थे पापा ने जंगल, वो अभी अंदर बांध दिए हैं, अभी अंदर अंधेरा है तो अभी दिखेगा नहीं। और बाहर अभी देखो बारिश आ रही है, तो इनको भी माँ अभी अंदर बांधने वाली है, तो बारिश आ रही है तो मैं भी जल्दी से घर चलता हूँ। हीरा मोती कभी दूसरे दिन आपको दिखाएंगे जब मैं उनको जंगल लेके जाऊँगा चराने। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गाँव के नौजवान यहाँ पे राशन लेके आ रहे हैं। तो आपने कल हमारी वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिए, वहाँ हम लेके आ रहे थे राशन। तो हमारे पहाड़ के नौजवानों के आजकल यही काम है, लॉकडाउन में कोई नौकरी नहीं है तो बस यही काम कर रहे हैं फिलहाल। तो भाई साहब कैसा लग रहा है ये काम करके? देखो भाई, हम हैं मुंबई वाले, ठीक है, माँ कसम 3 किलोमीटर भाई ये बोरा लेके आओ मैं मान जाऊँगा तुमको। गाँव वालों के लिए तो बहुत आसान है, मुझे नहीं पता ये कैसे करते, मगर हम मुंबई वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा कठिन है भाई। इतना तो भाई 15वीं की परीक्षा देके भी नहीं थोक लगी इतना आप लग रही भाई। तो दोस्तों ये थे हमारे बड़े भाई साहब जो कि मुंबई में रहते हैं और फिलहाल अभी लॉकडाउन लग चुका है तो फिलहाल गाँव में हैं। और आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा कि उनकी कैसी हालत हो गई है यहाँ गाँव में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लंगूर कैसे मुझे घूर रहा है भाई साहब, और ऐसी पोज दे रहा है जैसे इसकी फोटो खींचनी होगी। देख रहे हो भाई साहब, कोई डर ही नहीं है, उल्टा हमको डर के रहना पड़ रहा भाई साहब, आजकल खाने भी आ रहे हैं हम। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैं लंगूर को भगाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन लंगूर डरने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों हमारे यहाँ इन लंगूरों ने ऐसा आतंक फैला रखा है ना, हम इतनी मेहनत से फसल लगाते हैं और ये फसल होते होते पूरा उसका सत्यानाश कर देते हैं। ये हमसे डरते नहीं है और खुद हमको डराते हैं, अब आप ही बताइए हम कर भी क्या सकते हैं। तो अभी बारिश तेज हो गई है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं घर की ओर। तो ठीक है लंगूर भाइयों, मैं चलता हूँ घर की ओर, आप खाते रहो, फसल बर्बाद करते रहो, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आपको देखते हैं, आपको भगाते हैं, आप भागते हैं कि नहीं भागते हैं, फिलहाल टाटा बाय बाय। तो दोस्तों सुबह से हल्की हल्की बीच बीच में रुक के बारिश हो रही है जिस कारण ठंड आज थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अपने कानों पे मैंने ये बांध लिया है जिससे कि कानों को ज़्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि कानों पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने ये बांध लिया है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अखरोट का पेड़। और कभी के ज़माने में अखरोट के पत्तों को दंत मंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, दंत मंजन मतलब दाँत को शार्प करने के लिए, जो कि आज ब्रश और कोलगेट से हम करते हैं। और पहले ज़माने के जो लोग थे, मेरे दादा लोग थे, वो क्या करते थे, अखरोट का पत्ता निकालते थे और इसको चबाते थे, ऐसे चबाते थे, और उसके बाद
जो है कि ऐसे ऐसे करके दांत साफ करते थे और इससे बहुत ही ज्यादा दांत साफ होते थे। मैंने भी ये ट्राई किया है। और इस अखरोट के पत्ते का हम दूसरा यूज भी करते हैं कि जब हम अभी गेहूं अपने कूटे तो जो गेहूं पे घुन लगते हैं ना, तो उनको भगाने के लिए हम अखरोट के पत्ते उसमें डाल देते हैं। इसकी खुशबू इस प्रकार से आती है कि घुन उसके बाद उसमें नहीं लगते हैं, तो इसका दूसरा प्रयोग है। और जो दंत मंजन की मैंने बात की, दांतों को साफ करने में अखरोट का बहुत यूज करते थे पहले के जमाने में। और एक दूसरा होता है टिमरू। कभी टाइम मिलेगा तो टिमरू भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि कैसे उससे दांत साफ करते थे। दोस्तों ये अखरोट जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है दांतों के लिए। जो कीटाणु आपके दांतों में लगते हैं, जो कीड़े आपके दांतों में लगते थे, तो कभी इससे दंत मंजन करते थे तो दोस्तों कभी भी दांत खराब नहीं होते थे। पुरानी चीजें, हमारे पहाड़ में ऐसी बहुत चीजें हैं जो प्रयोग में लाई जाती थी। और पहाड़ के लोग इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि यहाँ बीमारियां भी बहुत ज्यादा कम लगती है लोगों को। और दोस्तों बारिश फिर एक बार स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से घर भागते हैं, नहीं तो भीग जाऊंगा मैं बुरी तरह। पहले ही मैं भीग गया था जब लंगूर भगाने गया था। तो दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी वाली बारिश आ रही है। और आप देख सकते हैं मैं दरवाजे पे बैठा हूँ कमरे के। तो दोस्तों अभी बारिश इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं कहीं जा नहीं सकूंगा, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकूंगा। तो अभी सीधे जाते हैं सोने, और वीडियो एडिट करने भी बाकी है तो वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सीधे वीडियो देखें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं सीधे पहाड़ से ऐसे ही शानदार वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।